ही में मालपुर रोड पर एक ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से एक मासूम बालिका को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने की तेजी भी दिखाई थी, लेकिन इसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डालने के बाद बेकाबू ट्रैक्टर ट्रालियां फिर से अपनी रफ्तार के साथ गली मोहल्ले में दौड़ने लगे हैं। श्रीराम कॉलोनी में आज उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक टेंट के सामान से भरे ट्रैक्टर ने बिजली के पोल में वाहन घुसा दिया। हादसे के समय यहाँ कई बच्चे खेल भी रहे थे जो कि घटना में बाल बाल बच गए। इसके बाद भी इन वाहनों पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इस सवाल ने शहरवासियों को बेचैन जरूर कर रखा है। कुछ अवैध ट्रैक्टर यहाँ पे आते हैं टेंट लगाने, कुछ भी लगाने और जो लगा निकलते रहते हैं, और जो कि है ना कई अप्रिय घटनाओं के होने की आशंका है भविष्य में। छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, लोडेड माल लाते रहते हैं, जबकि नॉट परमिशन है ऐसे बड़े वाहनों का निकलना यहाँ पे। और देखिए आपने हाल ही में दुर्घटना हुई, कोई अप्रिय बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। तो अभी क्या हुआ, मतलब अभी ऐसा हुआ जो आए होंगे कुछ टेंट वगैरह या सामान लगाने के लिए, तो इनका ट्रैक्टर यहाँ से निकल रहा था, एकदम इन्होंने खम्भे में भिड़ा दिया और जिससे खम्भा टूट गया और पूरी जो अव्यवस्था फैल गई यहाँ पर।